हेलो स्टूडेंट्स मैं सिर्फ डॉक्टर यशराज पर्देशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यू ठीक है तो आपको एन का पेज नंबर नाइन्टी नाइन रेफर करना है और बोर्ड बुक का पेज नंबर सेवेंटी थ्री और सेवेंटी फोर सो वी विल स्टडी पैकेजिंग ऑफ डी हेलिक्स इन यू अगर हमें टोटल लेंथ ऑफ डी पहले कैलकुलेट करेंगे हम अगर हमें हमें टोटल लेंथ ऑफ डी निकालना है तो हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव बेस बेस्पेयर्स इनटू नंबर ऑफ़ बेस पेयर्स तो आपको पता है ह्यूमन जीनोम में डिप्लॉयड में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 6.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू नाइन होते हैं और डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव बेस्पेयर इस थ्री पॉइंट फोर एम स्ट्रॉन्ग या पॉइंट थ्री फोर जिसे हम लिख सकते हैं पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन रेस टू माइनस नाइन मीटर तो यह फॉर्मूला से टोटल लेंथ ऑफ डीएनए अगर कैलकुलेट किया ह्यूमन डीएनए का लेंथ कैलकुलेट किया तो इट कम्स टू बी टू पॉइंट टू मीटर ठीक है बेटा तो इतना लंबा डी एन ए अबाउट टू पॉइंट टू मीटर लंबा डी एन ए टेन टू माइनस सिक्स मीटर के न्यूक्लियस में कैसे पैक होता है वो हमें देखना है ठीक है सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ डी एन एलिक्स एन सी आर टी के पेज नंबर नाइन्टी नाइन पर थर्ड लास्ट पैराग्राफ में आपको मिलेगा इन यू कैरियोट्स देर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन ठीक है तो यू कैरियोटिक्स सेल में डी एन ए को पैक करने के लिए रहता है सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्कलाइन या बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन histone protein is rich in the basic amino acids arginine and lysine and histones are rich in these amino acids these amino acids carry positive charge in their side chain toh, kya for packaging of dna in eukaryotes there is a set of positively charged basic protein called histones a protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids residue with charged side chain histones are rich in basic amino acid residues lysine and arginine बोदामिनो एसिड बोधामिनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स ठीक है फिर हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज होते हैं हिस्टोन ऑक्टोबर के फॉर्म में हिस्टोन प्रोटीन इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोन ऑक्टोबर तो डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन कौन सा असेंबली बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टोबर का उसमें होते हैं एच टू एच टू बी एच थ्री और एच फोर नाम के हिस्टोन तो बेटा ये आपको एनसीईआरटी में नोट डाउन करना है हिस्टोन ऑक्टोबर में एच टू ए के दो एच टू बी दो एच थ्री दो और एच फोर दो ऐसे टोटल एट हिस्टोन मिलकर तैयार करते हैं हिस्टोन ऑक्टोबर हिस्टोन ऑक्टोबर को न्यू बॉडी या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं ठीक है थीके? तो पांच टाइप के हिस्टोन हमें पता होना चाहिए एच टू एच टू बी एच थ्री और एच फोर और एच वन एच वन हिस्टोन ऑक्टोबर में पार्टिसिपेट नहीं करता और आपको पता है डी एन ए इज चार्ज बायोमोलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए ने इज़ रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम तो डीएनए के पैकिंग के वक्त नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड रैप्ड होता है उस पर वो लपेटा जाता है टू फॉर्म अस्ट्रक्चर और न्यूक्लियोसोम डी पैक करते वक्त सेल का एम क्या है डी का लेंथ कम करना उसका डायमीटर बड़ा तो चलेगा लेकिन उसका लेंथ कम करना ताकि 2.2 मीटर लंबा डीएनए 10 ए टेन रेस टू माइनस सिक्स मीटर के न्यूक्लियस में फिट हो सके तो क्या है एम एम ऑफ डीएनए पैकेजिंग इज टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ डीएनए तो पहले बनता है न्यूक्लियोसोम तो बेटा आपको सीक्वेंस याद रखना है पहले क्या बनता है न्यूक्लियोसोम टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंस टू हंड्रेड बेस्ट पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स तो टू हंड्रेड बेस्ट पेयर मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लियोसोम ठीक है वन न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म बाय टू हंड्रेड बेस्ट पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स दीज न्यूक्लियोसोम्स आर अरेंज ऑन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटीन एथिन क्रोमेटीन पर यह न्यूक्लियोसोम्स अरेंज होते हैं बेटा ये एक डायनामिक प्रोसेस है पैकिंग अभी हो रही है डी एन ए की पहले वो लपेटा गया हिस्टोन ऑक्टोबर पर उसे कहा गया रैपिंग ऑफ डी एन एन हिस्टोन ऑक्टोमर और फिर बना न्यूक्लियोसोम तो वॉट इज न्यूक्लियोसोम डी एन ए प्लस हिस्टोन ऑक्टोबर डी एन ए प्लस हिस्टोन ऑक्टोबर इज न्यूक्लियोसोम लेकिन डी एन ए कितने बेस्पेयर से बना है न्यूक्लियोसोम में का टू हंड्रेड बेस पेयर्स और फिर ये न्यूक्लियोसोम्स ऐसे अरेंज होते हैं क्रोमेटीन पर और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग ठीक है तो बेटा पहले डी एन ए कैसा था कुछ इस तरीके से एक लंबा डी एन ए था अब उसकी पैकेजिंग हो रही है पैकेजिंग होते होते अब वो बन गया न्यूक्लियोसोम एंड न्यूक्लियोसोम ऑन क्रोमैटीन आर कॉल्ड एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ठीक है फिर आप देख सकते हो यहाँ पर एक दो और तीन न्यूक्लियोसोम है दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ रहा है लिंकर डीएनए तो हर एक न्यूक्लियोसोम का एक लिंकर डीएनए होता है मतलब न्यूक्लियोसोम पर कोर डीएनए और उसके बाजू में लिंकर डीएनए जैसा मैं आपको स्लोली एक्सप्लेन करता हूं देखो बेटा न्यूक्लियोसोम कितने पेयर से बना है टू हंड्रेड पेयर टू हंड्रेड पेयर ऑफ मतलब टू हंड्रेड बेसिस के पेयरिंग मतलब टोटल कितने बेसिस से बना है न्यूक्लियोसोम फोर हंड्रेड बेसिस तो आपको पूछेंगे न्यूक्लियोसोम में का डी कितने पार्ट्स का होता है या कितने टाइप का होता है तो दो टाइप का एक कोर डी जो हिस्टोन अक्टोबर को रैप करता है वो बना होता है 146 फोर्टी सिक्स बेस्ट पेयर से और लिंकर डी एन वेरिएबल बेस पेयर से बना होता है लेकिन यहाँ पर टिपिकल सेल में 54 फोर बेस्ट पेयर तो आउट ऑफ 200 हंड्रेड बेस्ट पेयर्स ऑफ डी एन ए प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर रिलेटेड विद न्यूक्लियोसोम कोर डी एन ए फॉर्म्स वन फोर्टी सिक्स बेस्पेयर या कोर डी एन एज मेड अप ऑफ ये ज़्यादा प्रॉपर होगा कोर डी एन एज मेडअप ऑफ़ वन फोर्टी सिक्स बेस्ट पेयर एंडलिंग का डी एन ए इज मेड फिफ्टी फोर पेयर ठीक है मैं आपको इस डायग्राम की मदद से बताता हूँ देखो बेटा ये है न्यूक्लियोसोम का डायग्राम ठीक है आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये जो है ना यह है डी एन ए जैसे यहाँ पर लेबल किया है तो जो डी एन ए को रैप कर रहा है दैट इज कोर डी एन ए और जो ये बाहर का डी एन ए है दैट इज लिंकर डी जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ेगा ठीक है तो बीच का डी एन दैट इज कोर डी जो हिस्टोन ऑक्टोमर को रैप कर रहा है तो आप देख सकते हो कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स लिखा है एन का ये डायग्राम में तो कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स में कौन रहेंगे एच टू एच टू बी एच थ्री और एच फोर टू मॉलिक्यूल इच और ये जो गोला बनेगा कोर बनेगा उसको लपेटा जाएगा डी और उस डी को कहेंगे कोर डी कोर डी से बनाए वन और लिंकर डीएनए साइड का जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ेगा ठीक है सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम को जोड़ेगा लिंकर डीएनए बनाए 54 फोर बेस्ट पेयर्स तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन आपको एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछेंगे न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स ऑफ डी एन तो आप कहोगे टू हंड्रेड बेस्ट पेयर्स ऑफ डी एन न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना है तो आप कहोगे टेन नाइनोमीटर टेन नाइनोमीटर को हम लिख सकते हैं हंड्रेड एम स्ट्रॉन्ग हंड्रेड एम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोसोम में के जो टू हंड्रेड बेस्ट पेयर्स है उसमें से कोर डी में कितने हैं तो आप कहोगे वन फोर्टी सिक्स बेस पेयर लिंकर डी एन ए फिफ्टी फोर बेस्ट पेयर फिर आपको मिलेगा लिंकर डी एन ए से रिलेटेड एच वन हिस्टोन तो एच वन हिस्टोन एक पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डी एन ए को लिंकर डी एन ए को अटैच होता है ठीक है तो एच वन हिस्टोन कैसा होता है पेयड या अनपेड इट इज़ अनपेयर वो सिंगल होता है बाकी के सब हिस्टोन है पेयर ठीक है तो अगर आपको पूछते हैं कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में कितने हिस्टोन है तो आप कहोगे आठ एच टू ए के दो एच टू बी के दो एच थ्री के दो एच फोर के दो लेकिन आपको पूछते टोटल न्यूक्लियोसोम में कोर में टोटल न्यूक्लियोसोम में कितने हिस्टोन है तो आप कहोगे नाइन ठीक है हिस्टोन अक्टोबर के आठ और एच वन हिस्टोन अकेला तो टोटल नाइन ठीक है तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है अभी हम और एक पॉइंट पढ़ते हैं जैसे डी एन इज वाउंड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स हमने पढ़ा लेकिन कितने टर्न्नस दैट इज वन पॉइंट सेवन फाइव टन जैसे यहाँ लिखा है ना वन एंड थ्री फोर टर्न्स मतलब आप ऐसा जूम करो

फिफ्टी फोर बेस्पेयर किसमें उससे कम भी हो सकता है एनसीआर एक सवाल पूछता है इन अ मेमिलियन सेल जैसा यहाँ दिया ह्यूमन सेल नंबर ऑफ विल बी तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके आप वहाँ पर लिख देना पेज नंबर नाइन नाइन के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में हो दिया है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे अगर आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोम काउंट करना है तो ये जो न्यूमरेटर में मैंने क्या लिखा है टोटल लेंथ ऑफ डीएनए सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू नाइन बेसपेयर और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस्पेयर टू हंड्रेड बेसपेर तो कितने न्यूक्लियोसोम हो जाएंगे फिर तो डिवाइड करने के बाद 3.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस्ट टू सेवन दैट इज अबाउट थर्टी थ्री मिलियन न्यूक्लियोसोम तो एन सवाल पूछता है हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन इन अ मैमिलियन सेल वहाँ उन्हें कहना चाहिए था ह्यूमन सेल क्योंकि फिर ही हमें यह कैलकुलेट करने को मिलेगा क्योंकि हमें पता है ह्यूमन सेल में कितने बेस पेयर होते हैं डीएनए के 6.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट टू नाइन बेस पेयर तो न्यूमरी में हम लिखेंगे 6.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट टू नाइन अपॉन टू हमने 200 से क्यों डिवाइड किया बेटा 200 से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम में होता है 200 हंड्रेड बेस्ट पेयर तो टोटल आ जाता है थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू सेवन न्यूक्लियोसोम तो ये आप आपके एनसीआरटी में लिख कर रखना ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसका और पैकेजिंग होता है और फिर सोलेनॉयड बनता है सोलेनॉइड में क्या रहता है बेटा सिक्स न्यूक्लियोसोम्स दे जॉइन जैसा मैंने येलो मार्कर से मार्क किया है सिक्स न्यूक्लियोसोम दे जॉइन टू फॉर्म सोलेनॉइड सोलोनॉइड को कहते हैं कॉइल्ड टेलीफोन वायर वायरलेस स्ट्रक्चर तो इसका डायमीटर होता है थर्टी नाइनोमीटर ठीक है बेटा तो लेंथ कम होती जाती है इट इज बिकमिंग मोर शॉर्ट एंड थिक डायमीटर बढ़ रहा है उसके बाद बनता है सोलेनॉड के बाद सुपर सोलेनॉइड जैसा यहाँ पर मेंशन किया है मैं ब्लॉक करता हूँ येलो मार्कर से ताकि आप हाईलाइट कर पाओ सुपर सोलिनॉयड का डायमीटर 300 हंड्रेड जिसे बुक्स लिखती है क्रोमेटिन फाइबर उसके बाद बनते हैं क्रोमेटिड्स का डायमीटर होता है 700 हंड्रेड और फिर अल्टीमेटली बन जाते हैं शॉर्ट थिक क्रोमोजोम्स जिनका डायमीटर होता है फोर्टीन हंड्रेड तो बेटा डायमीटर बढ़ रहा है लेकिन डायमीटर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि टेन रेज टू माइनस सिक्स मीटर का न्यूक्लियस इट इज सफिशियंट टू अकोमोडेट दिस क्रोमोजोम्स और फोटीन हंड्रेड नानोमीटर फोटीन हंड्रेड नानोमीटर मतलब बहुत ही छोटा फोटी हंड्रेड इंटू ट्रेनरेज माइनस नाइन मीटर तो दट इज़ वेरी वेरी स्मॉल ठीक है तो ये आसानी से क्रोमोजोम्स अकोमोडेट हो जाते हैं कहने का मतलब उनका जो लेंथ था डी एन ए का वो कम हो रहा है और वो शॉर्ट हो रहा है ठिक हो रहा है ठीक है जैसा दिखा है ड्यूरिंग पैकेजिंग लेंथ डिक्रीजेस डी एन ए बिकम शॉर्ट ठिक एंड कंडेंस तो ये सभी डायमीटर्स आपको लर्न करके रखने ये डायग्राम से भी आप देख सकते हो पहले था टू नैनोमीटर फिर टेन नैनोमीटर हुआ न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड थर्टी नैनोमीटर सुपर सोलेनॉइड थ्री हंड्रेड नाइनोमीटर 700 सेवन हंड्रेड और क्रोमोसोम फोर्टीन हंड्रेड ठीक है इस तरीके से पैकेजिंग होती है डीएनए की यू में हमने देखा हिस्टोन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लेकिन और पैकेजिंग के लिए ठीक है रिक्वायर्स

फिर बेटा आपको डिफरेंस बिटवीन लर्न करके निकालना है क्रोमेटिन का यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमैटीन का यू क्रोमेटिन इट इज लूजली पैक हेट्रोक्रोमैटीन इट इज डेंसली पैक्ड यू क्रोमेटिन इट इज लाइटली स्टेंड पार्ट ऑफ डीएनए एन डार्कली स्टेंड यू क्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनरी एक्टिव हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनरी इनएक्टिव मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता उसमें उससे आर एन ए नहीं बन पाता हेट्रोक्रोमैटिन से जो हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते वक्त यू क्रोमेटिन इज जेनेटिकली वेरी एक्टिव हेट्रोक्रोमैटीन इज जनरली मोस्टली इट इज़ इनएक्टिव यूक्रोमेटिन में डीएनए का प्रमाण कम होता है हेट्रोक्रोमेटिन में ज़्यादा डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में होता है तो डीएनए के दो फॉर्म्स याद रखना यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रोमैटिन लूज लिपैक हेट्रोक्रोमैटिन डेंस लिपैक यूक्रोमैटिन लाइट लिस्टेन हेट्रोक्रोमैटिन डार्क लिस्टन यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनरी एक्टिव हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिश्शनरी इनएक्टिव यूक्रोमैटिन जनरली वेरी एक्टिव जेनेटिकली वेरी एक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन मोस्टली इट इज इक्टिव यूक्रोमेटिन के फॉर्म में लेस अमाउंट ऑफ डीएनए रहता है हेट्रोक्रोमेटिन में ज्यादा डीएनए होता है टू टू थ्री टाइम्स मोर डीएनए एन होता है एज कंपेयर टू यूक्रोमेटिन तो डीएनए के ये दो फॉर्म्स हैं ठीक है ये आपको आपके नोटबुक में लिख कर निकालना